ऐसा मौका जिसका अगर हमने सही तरीके से इस्तेमाल किया और सही तरीके से हमने ये चुनाव लड़ा तो इंशाल्लाह अहमदपुर से भी मजलिस इत्तेहाद और मुस्लिमीन की जीत यकीनी हो सकती है। हमें करना क्या है तो हमें वही कुछ करना है जो 3 महीने पहले औरंगाबाद की आवाम ने कर दिखाया। उन्होंने किया क्या? औरंगाबाद की आवाम ने ऐसा क्या कर दिया कि वहां पे मजलिस इत्तेहाद और मुस्लिमीन की जीत यकीनी हुई है? उन्होंने सिर्फ इतना काम किया कि उन्होंने कोई हिसाब किताब नहीं लगाया, कोई बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाया कि किसको वोट देना है, कौन जीतने वाला है, कौन हारने वाला है। उन्होंने सिर्फ इतना फैसला कर लिया था कि असद अवैसी साहब ने इम्तियाज जलील को अपना नुमाइंदा बनाया है और हमारा काम सिर्फ इतना है कि हम एक ताकत बनकर उनके साथ खड़े रहे और अल्हम्दुलिल्लाह पूरी ताकत के साथ वो मेरे पीछे खड़े रहे। तो उसका नतीजा ये हुआ कि 39 सालों के बाद अल्हम्दुलिल्लाह औरंगाबाद शहर में दोबारा हमने अपनी क़यादत को जिंदा किया है। कभी आप लोगों को इस बात का एहसास होता है, कभी आप लोग इस बात के ऊपर गौर करते हैं, कभी सोचते हैं कि आपकी नुमाइंदगी क्यों हर 5 साल कम होती जा रही है? आपकी आबादी बढ़ रही है लेकिन आपकी नुमाइंदगी कम होती जा रही है। उसकी वजह यह है कि आप लोगों को हमको एक रबर स्टैंप की तरह इस्तेमाल किया जाता है हर 5 साल के बाद। आपको सिर्फ इतना करना होता है उनके लिए वोट देते रहे तो हर 5 साल के बाद आपके पास आते हैं, आपको वादे करते हैं, हंसते खाते हैं और चले जाते हैं। तो हमारा एक सवाल है कि क्या कभी कोई वंचित समाज का इंसान विधानसभा के अंदर नहीं जाना चाहिए? क्या कभी दलित समाज का हमारा भाई विधानसभा के अंदर नहीं जाना चाहिए? क्या मुसलमानों की इतनी बड़ी आबादी होने के बावजूद हमारा काम सिर्फ वोट देना है? क्या कभी यह एहसास नहीं होता है कि हमारे भी नुमाइंदे लोकसभा और विधानसभा तक पहुंचना चाहिए? यही काम हम करने के लिए बाहर निकले हुए हैं। इतने सालों से अगर आप चाहे अहमदपुर के चाकूर के मतदार संघ के जब हम आंकड़े देखते हैं तो हमें यह एहसास होता है कि अगर हम एक साथ मिलकर तमाम वंचित समाज एक साथ ताकत के साथ अगर खड़े रहता है तो हम हमारा नुमाइंदा भी विधानसभा के अंदर भेज सकते हैं। लेकिन जो हर शहर में होता आया है, जब भी चुनाव आता है तो इस कौम को बड़ी आसानी के साथ बांट दिया जाता है। ये उम्मीद की जाती है कि हमारा अगर कोई नुमाइंदा आए, मजलिस का कोई नुमाइंदा आए या मुसलमानों का कोई नुमाइंदा आए तो बिल्कुल सफेद पोशाक के अंदर एक फरिश्ता नीचे आना चाहिए। एक 2 मिनट प्रदान के लिए